हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हर रोज़ रोटी सब्जी खा खा कर हम बोर हो जाते हैं और हम चाहते हैं कुछ टेस्टी खाना, लेकिन वो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होना चाहिए। तो चलिए आज हम बनाते हैं पनीर वेज रोल, जिसमें हम पनीर, बहुत सारी सब्जियां और गेहूं के आटे का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। सब्जियों में हम पत्ता गोभी, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च और इसके अलावा आप और भी सब्जियां ले सकते हैं। इन सब को हमें बिल्कुल पतला पतला काटना है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन और थोड़ी सी धनिया पत्ती, इसके साथ साथ थोड़ी सी कूटी हुई लहसुन, थोड़ा सा कूटा हुआ अदरक, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर भी चाहिए। इनके अलावा हम कुछ सूखे मसाले भी डालेंगे, जिनमें हम नमक, हल्दी, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला लेंगे। और हमें चाहिए टोमेटो केचप। इसके साथ साथ हम आटा लगाने के लिए गेहूं का आटा लेंगे, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा दही। तो चलिए रोल के लिए सबसे पहले हम पनीर वाला मसाला तैयार करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर गर्म करेंगे। तेल जब गर्म हो जाए उसके बाद हम उसमें बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, इनको थोड़ी देर भूनेंगे। इसके बाद जो कूटा हुआ अदरक और लहसुन था हम वो डाल देंगे। अदरक लहसुन को थोड़ा सा भूनेंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। इसके बाद हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। इसमें हम जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक डालेंगे। साथ ही टमाटर भी डाल देंगे और इन सबको अच्छे से भूनेंगे। सारे मसाले और टमाटर जब अच्छे से भून जाए इसके बाद हम इसमें पनीर डालेंगे। पनीर डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर भूनेंगे। यहाँ पर हम गरम मसाला भी डाल देंगे। और लीजिए, हमारा पनीर का मसाला बनकर तैयार हो गया है। इसको हम एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितना टेस्टी दिख रहा है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। अब चलिए हम बाकी की जो सब्जियाँ हैं हम उनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा और तेल डालेंगे और जो लहसुन को हम पहले से काट कर रखे थे वो डालेंगे। लहसुन का जब कच्चापन निकल जाए इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज डालकर ज़्यादा नहीं, बस एक मिनट तक भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें गाजर डालेंगे। गाजर को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसको हम पहले डालेंगे और इनको थोड़ी देर भूनेंगे। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा भूनना है ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद हम शिमला मिर्च डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे, काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और सबसे लास्ट में हम इसमें पत्ता गोभी डालेंगे। पत्ता गोभी को हम लास्ट में इसलिए डालेंगे क्योंकि इसे अगर हम पहले डाल देते तो इससे पानी छूटता और सब्जियाँ अच्छे से भून नहीं पाती। इसको बाकी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। बस इसे हमें इतना ही पकाना है। इसके बाद हम गैस ऑफ कर लेंगे और इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब चलिए इसके लिए हम आटा भी लगा लेते हैं। तो इसके लिए हम एक बड़ा सा गमला लेंगे और उसमें हम गेहूं का आटा डालेंगे। इसमें हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इन सबको हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। वैसे मार्केट में जो रोल मिलते हैं तो उनमें मैदा का यूज़ होता है, लेकिन हमें इसे हेल्दी बनाना है और हम इसे घर पर ही बनाकर खा रहे हैं तो क्यों ना आटा से बनाया जाए। इसके बाद इसमें हम दही डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा दही डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें हम ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट आटा गूँथ लेंगे। हम जैसा आटा पराठा के लिए गूँथते हैं हमें बिल्कुल वैसा ही आटा गूँथना है। इसके बाद इसको हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। इसके बाद हम इस आटा से लोई बना लेंगे। एक लोई को हम लेंगे, उसमें आटा लगाएंगे और जैसे हम रोटी बेलते हैं ठीक उसी तरह हम गोल बेल लेंगे।
इसको तवे पर डालेंगे। मीडियम आंच में दोनों तरफ अच्छे से उलट पलट कर सेक लेंगे। इसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे। हम तेल डालकर दोनों तरफ अच्छे से सेक लेंगे। आप चाहे तो तेल की जगह पर घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, ये दोनों तरफ अच्छे से सिक गया है। इसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा टोमेटो केचप डालेंगे और उसको अच्छे से चारों ओर फैला देंगे। इसके बाद बीच में लंबे से फैलाते हुए हम सब्जियां डालेंगे। इसके ऊपर हम पनीर डालेंगे। और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क देंगे। अब इनको अच्छे से टाइट करते हुए रोल करेंगे और वाइट पेपर में इनको लपेट देंगे। हम इन्हें आधा लपेटेंगे और नीचे की तरफ से अच्छे से मोड़ देंगे। और लीजिए, हमारा गर्मा गर्म पनीर वेज रोल बनकर तैयार हो गया है। ये इतना टेस्टी लगता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये आटा का बना हुआ है। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।